गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुलियन रिंग. सो व्हाट इज़ अ बुलियन रिंग? अ रिंग आर इज सेड टू बी अ बुलियन रिंग इफ़ एक्स स्क्वेयर एनी एलिमेंट, उसका अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिले फॉर एवरी पेयर ऑफ रिंग. ठीक है, तो और क्या कह सकते हैं? अ रिंग आर इज सेड टू बी बुलियन रिंग इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग इज आइडमपोटेंट. वट इज आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी? कि हम एक एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन लगाए हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही मिले, वो क्या थी हमारी आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी. राइट, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते क्या है ये. अब हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, इंटीजर बेस सबस्क्रिप्ट 2 लिया हमने, प्लस मॉड्यूलस ऑपरेशन 2 एंड मल्टीपल मॉड्यूलस ऑपरेशन 2. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे? अब हमने देखा ये क्या, इसका सबस्क्रिप्ट में क्या है, 2 है. तो जो एलिमेंट होगा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, इससे 1 लेस होगा. तो 1 लेस होगा, इंटीजर की बात करें तो 0 1. ठीक है, एलिमेंट 2 होंगे बट इससे क्या होगा, 1 कम होगा. तो एलिमेंट 2 हो गए और इससे 1 कम क्या हो गया, 1 हो गया. तो ये एलिमेंट हो गया. राइट, अब हम इसका चेक करते हैं. ये क्या कह रहे हैं, एक्स का जब हम स्क्वायर करें तो एक्स आए. अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, 0 आएगा. और अगर हर एक एलिमेंट के लिए करना, और अगर हम मैं 1 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो ये क्या होगी, हमारी आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी होगी. इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, जेड सब्सक्रिप्ट 2 इंटीजर के अगर हम सब्सक्रिप्ट 2 मैक्सिमम एलिमेंट 0 और 1 ले तो इट फॉर्म्स अ बुलियन रिंग. अब थिंग इज दैट कि हम क्या इंटीजर का जो पर्टिकुलर सेट है वो क्या बुलियन रिंग है या नहीं है, पूरे इंटीजर्स की अगर हम बात करें. ठीक है, अगर हम सिंपल सी चीज़ देख लें, मान लो 0 1 का तो हमने देख लिया, इसके आगे के एलिमेंट्स लेते हैं. अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी मुझे क्या मिलेगा, 4. अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगी मुझे मिलेगा 9. क्या ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिला? नहीं मिला. क्या 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिला? नहीं मिला. तो ये क्या है, आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे. तो जो इंटीजर का सेट है वो क्या है, बुलियन रिंग नहीं है. वो क्या है, बुलियन रिंग नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं, ओनली 2 एलिमेंट सेटिस्फाई आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी इन बुलियन रिंग ऑफ इंटीजर्स. राइट, व्हाट आर दोज एलिमेंट, दैट आर 0 एंड 1. दूसरा एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट वो क्या कहता है कि हर एक बुलियन रिंग क्या हमारी कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है, वो क्या कहती है, वो क्या कहती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है. तो अगर हम इसको बुलियन रिंग के लिए प्रूव करना है तो प्रूफ क्या मांगते हैं कि लेट आर बी अ बुलियन रिंग, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, इसको मान लो हमने माना, फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे. अब हमें ये प्रूव करना है कम्यूटेटिव है या नहीं है. हमें शो क्या करना है, आर इज कम्यूटेटिव. राइट, दिस रिंग इज कम्यूटेटिव बाय दिस ऑपरेशन. राइट, अब हम कम्यूटेटिव क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग. अब स्टेप 1 हम कंसिडर मान लो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ए है, दैट इज एक्स क्या है हमारा, एक्स इज ए प्लस ए, एक्स इज ए प्लस ए. तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए प्लस ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. ये क्या हो गया हमारा पर्टिकुलरली, ये हमारा एक्स है और ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है. राइट, तो फर्स्ट में अगर मैं इसको खोलूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इस पर्टिकुलर वैल्यू को. ठीक है, अब आगे जब जब हम चलें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या बना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस ए. ठीक है, अब हमें क्या पता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो, नहीं सॉरी, बुलियन रिंग की प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो इसी तरह मैं क्या कह सकती हूँ, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए ए स्क्वायर हो जाएगा ए, ए स्क्वायर हो जाएगा ए, ए स्क्वायर हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू ए प्लस ए. फर्दर इसको अगर मैं करूँ तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर.
इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ। ये क्या हो गया हमारा, बाय कैंसलेशन लॉ। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू माइनस ए। सपोज करो दिस इज द इक्वेशन टू, ये हमें कहाँ से मिला, बाय इक्वेशन वन। ठीक है, अब फर्दर देखो, कंसिडर स्टेप टू में हम क्या करेंगे, कंसिडर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया x। अब इसको खोलें, अगर a प्लस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं होल स्क्वायर को, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको फर्दर खोले तो हमें इक्वेशन आते ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। अब देखिए, अब जो हमारी ये इक्वेशन थी, विच वन, दिस वन, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको हम फर्दर अगर हम खोले, अब हमें पता है इस पर्टिकुलर में अगर मैं ये लगा दूं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या कह रही थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो मैं ए स्क्वायर को क्या मान सकती हूँ ए, मैं बी स्क्वायर को क्या मान सकती हूँ बी। तो बस अगली उसमें स्टेप में हमने वही किया है, ए स्क्वायर को हमने मान लिया ए, बी स्क्वायर को हमने मान लिया बी, ए बी और बी ए ऐसे ही रहे, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। फर्दर अगर मैं कैंसिलेशन लॉ लगाऊँ इस पर तो मुझे क्या मिलेगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, वट आई गॉट ए बी प्लस बी ए विच इज इक्वल टू जीरो। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, उसको हम क्या कहेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब हमने जो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन आई थी वो क्या कहती है, ए इज इक्वल टू माइनस ए, ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए यूजिंग सेकेंड लॉ, यूजिंग सेकेंड लॉ। ठीक है, तो हेंस वी प्रूव दैट बी इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, बट एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कन्वर्स ऑफ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या हुआ कि हमने अभी ये प्रूव किया था कि हर एक बुलियन रिंग कम्यूटेटिव है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि हर एक कम्यूटेटिव सेट वो बुलियन रिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर z क्या है, एक बुलियन रिंग है सपोज करो, तो हम क्या कहेंगे, 2 बिलोंग्स टू z, 2 क्या है, एक इंटीजर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। बट हमें बुलियन रिंग के लिए क्या चाहिए था, 2 का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए था, 2 के, तभी वो बुलियन रिंग होती, पर ये तो नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, z क्या है हमारी, बुलियन रिंग नहीं है, बट जेड क्या है हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। जैसे अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 3। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक कम्यूटेटिव सेट है ये ज़रूरी नहीं है कि बुलियन रिंग को फॉलो करेगा ही करेगा, बट हर एक बुलियन रिंग जो होती है वो कॉम्यूटेटिव रहेगी ही रहेगी। सो एक बार और देख लीजिए, व्हाट इज अ बुलियन रिंग, बुलियन रिंग सेज डैट एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स, डैट इज इट शुड फॉलो द आइडियम्पोटेंट लॉ। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।